जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आईपीएल 2021 का 47वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया, उसके बाद कैसे पूरा पॉइंट टेबल का समीकरण बदल चुका है और कौन कौन सी टीम को झटके लगे हैं राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद, तो पूरी डिटेल जानकारी पॉइंट टेबल से जुड़ी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच जिताने के बाद शिवम दुबे ने दिया बड़ा बयान, कहा कुछ ऐसा कि जीत लिया लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो दोस्तों आखिरकार शिवम दुबे ने ऐसी क्या बड़ी प्रतिक्रिया दी उसके बारे में बताएंगे, और भी जो मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और राजस्थान के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 का 47वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो वहीं पहले जब बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैदान पर उतरी तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 20 ओवर में अपने 4 विकेट खोकर 189 रन बनाए थे और 190 रनों का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रखा था। हालांकि दोस्तों ये इतना विशाल लक्ष्य था कि इस मैच में नहीं माना जा रहा था कि राजस्थान की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी और वो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने जिस तरह से इस मुकाबले में वापसी की वो काबिले तारीफ है और राजस्थान की टीम ने अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर इस मुकाबले को आज जीत लिया। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर इविन लुइस ने जहाँ 27 रन बनाए तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने मात्र 21 गेंदों में ही 50 रन की तूफानी बल्लेबाजी कर डाली, और वहीं संजू सैमसन ने 28 रन बनाए तो वहीं शिवम दुबे ने 64 रनों की पारी खेली। और इन्हीं की इस बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान की टीम ने मात्र 17.3 ओवर में ही अपने 3 विकेट गंवाकर 190 रन ठोक डाले थे और इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया। और वहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की इस जीत के बाद पॉइंट टेबल का समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुका है, जहां पर पॉइंट टेबल में अब आप सभी को काफी बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों जैसे कि आप सभी यहां पर पॉइंट टेबल देख पा रहे, पॉइंट टेबल में अब जो टॉप पर टीम पहुंच चुकी है उसमें अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का ही नाम आता है। जी हां दोस्तों चेन्नई की टीम ने यहां पर 12 मैचों में से 9 मुकाबले जीते हैं और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 18 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले स्थान पर मौजूद है। तो वहीं दूसरे नंबर पर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली ने आज अपना 12वां मुकाबला खेलने के साथ ही 9 जीत हासिल किया और 3 में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि दोस्तों 18 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें तीसरी टीम के बारे में, जो तीसरी टीम निकल कर आती है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जहां पर बैंगलोर ने 11 में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल करी और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं 14 पॉइंट्स के साथ आरसीबी की टीम अभी 11 नंबर पर मौजूद है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चौथी टीम के बारे में, जो चौथी टीम निकल कर आती है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर कोलकाता की टीम ने 12 मुकाबलों में से 5 में जीत हासिल करी है और 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स के साथ केकेआर की टीम चौथे नंबर पर मौजूद है। तो वहीं पांचवें नंबर पर नाम निकल कर आता है पंजाब किंग्स की टीम का, जहां पर पंजाब की टीम ने 12 मैचों में से 5 मैचों में जीत हासिल करी और 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 10 पॉइंट्स के साथ पंजाब की टीम पांचवें नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें छठी टीम के बारे में, जो छठी टीम निकल कर आती है वह राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर राजस्थान की टीम ने 12 मैचों में से 5 मैचों में जीत हासिल करी और 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम छठे नंबर पर मौजूद है। तो वहीं सातवें नंबर पर दोस्तों इस बार मुंबई इंडियंस की टीम का नाम आता है, जहां पर मुंबई की टीम ने 12 मैचों में से 5 में जीत हासिल करी और 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस की टीम सातवें नंबर पर मौजूद है। और वहीं बात करें आठवीं टीम के बारे में, जो आठवीं टीम निकल कर आती है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां पर हैदराबाद ने 11 मैचों में से मात्र 2 मैचों में ही जीत हासिल करी है और 9 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट्स के साथ एसआरएच की टीम नंबर पर आती है। तो ऐसे में दोस्तों यही थी पूरी पॉइंट टेबल जो कि नई अभी अपडेट हुई है। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि टॉप 4 कौन सी वो टीम होंगी जो कि इस बार आईपीएल 2021 में क्वालिफाई कर सकती है? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2021 का 45वां मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां पर इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल करी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर
कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने 7 विकेट गंवाते हुए 165 रन बनाए थे और 166 रनों का लक्ष्य पंजाब किंग्स की टीम को मिला। हालांकि दोस्तों जब पंजाब किंग्स की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने शानदार शुरुआत पंजाब किंग्स की टीम को दिलाई, जहां पर मयंक अग्रवाल ने 40 रन बनाए तो वहीं केएल राहुल ने इस मुकाबले में 67 रनों की पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी खतरनाक टीमों का भी अब समीकरण हिल चुका है और अब वो भी सोच में होंगे कि आखिरकार वो किस तरह से अब आईपीएल के लिए क्वालिफाई करें। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अब क्या पॉइंट टेबल नई क्या कहती है। तो दोस्तों यहां पर जो पहली टीम निकल कर आती है इस पॉइंट टेबल में वो हमेशा की ही तरह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 11 मैचों में से 9 मैच जीते हैं और 2 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और 18 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले नंबर पर मौजूद है। तो वहीं बात करें दूसरी टीम के बारे में, जो दूसरी टीम निकल कर आती है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 11 मैचों में से 8 मैचों में जीत हासिल करी और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 16 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरी ऐसी टीम बनी है जो कि क्वालिफाई अब कर चुकी है आईपीएल 2021 के प्लेऑफ स्केटर्स की टीम। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 12 मुकाबलों में से 5 मैचों में जीत हासिल करी और 7 मैचों में हार के साथ और 10 पॉइंट्स लेने के साथ केकेआर की टीम चौथे नंबर पर यहां पर मौजूद है। हालांकि दोस्तों इनका जो नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके चलते केकेआर की टीम का चौथे नंबर पर स्थान आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, स्मृति मानधना ने डे नाइट टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, कर ली सचिन और सौरभ की बराबरी। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मानधना ने क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र डे नाइट टेस्ट मुकाबले में शतक जड़कर इतिहास रच दिया, जहां पर दूसरे दिन के खेल के दौरान एलिसा पेरी द्वारा डाले गए 92 ओवर में चौका जड़कर स्मृति मानधना ने अपना शतक पूरा किया। ओवर में चौका जड़कर स्मृति मानधना ने अपना शतक पूरा किया और यह मानधना का टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक है। वहीं उन्होंने अपना शतक 170 गेंदों में पूरा किया, जहां पर उन्होंने 18 चौके और एक छक्का जड़ा था, इनका कारनामा किया। तो वहीं कोहली ने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में शतक जड़ा था। बाकी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि स्मृति मानधना पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कारनामा किया होगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है स्मृति मानधना के इस रिकॉर्ड के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।